गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस चैनल को देख रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है और आपको आनंद में देख करके मुझे भी आनंद आ रहा है। 2000 शब्दों की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ड। वर्ड इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, सबसे जरूरी चीज है शब्द। अगर आपको शब्द मालूम है तो सेंटेंस का आपको आइडिया लग जाएगा। अगर थोड़ी ग्रामर कमजोर है तब भी काम चल सकता है, लेकिन अगर शब्द नहीं मालूम है तो आप पूरी तरह से अंधेरे में रहेंगे। ये जो शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बच्चों, ये हर आयु के लिए है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो क्लास 7 में है, 6 में है, 8 में है, उनको अपनी किताबें समझ में आने लगेंगी। वो ये वर्ड जो है SSC, बैंक, रेलवे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी हैं। ये एक लार्ज ग्रुप को कैटर करने वाले हैं। इसके आगे मैं बढ़ रहा हूं बच्चों, मैंने अब तक आपको 121 तक बताया था, 122 पर जो शब्द लिखा है उसको कहते हैं एडल्टरेट। बहुत अच्छा शब्द है। एडल्टरेट माने होता है मिलावट करना, खाने पीने की चीजों में मिलावट करना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है STH with STH, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं इसका मतलब होता है समथिंग, किसी चीज में कोई चीज मिला देना। जैसे मेरा दूध वाला दूध में पानी मिलाता है तो हम ऐसे कहेंगे माई मिल्क मैन एडल्टरेट्स द मिल्क विथ वॉटर। माई मिल्क मैन एडल्टरेट्स द मिल्क विथ वॉटर। तीनों फॉर्म होते हैं अडल्टरेट, एडल्टरेटेड और एडल्टरेटेड। बिल्कुल आपको देखिए विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि वर्ड हिंदी रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपके वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एडल्टरेशन बच्चों, ये नाउन है, देखो ये वर्ब है, बार बार चीजों को बता रहा हूं। जिस भी शब्द की हिंदी के अंत में ना आ जाए वो सभी अंग्रेजी के शब्द वर्ब होते हैं। हर वर्ब के चार फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे तो वो फोर्थ फॉर्म कहलाता है। ये नाउन है मिलावट। एडल्टरेटेड ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब मिलावटी। जैसे हमें कहना हो कि कुछ दुकानदार मिलावटी सामान बेचते हैं तो हम कहेंगे सम ऑफ द शॉपकीपर्स सेल एडल्टरेटेड आइटम्स। एडल्टरेटेड उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मजा आ जाएगा। Adulterated items, यानी मिलावटी सामान। कितना अच्छा शब्द है, बार बार जितने भी शब्द आपको सिखाए जा रहे हैं वो बार बार आने वाले शब्द है, बार बार। आगे बढ़ते हैं। Unwell, unwell मतलब बीमार होता है बेटा, बीमार। कभी भी जैसे किसी को कहना हो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको कहना चाहिए टूडे आई एम अनवेल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई एम नॉट वेल टूडे, दोनों सही है। आई एम नॉट वेल टूडे या आई एम अनवेल टूडे। अनवेल माने बीमार। फॉल सिक, बहुत अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है बच्चों बीमार पड़ जाना, बीमार पड़ जाना। फॉल के तीनों फॉर्म होंगे, फॉल, फेल, फॉलिन। वाक्य बनाता हूं, वह अक्सर बीमार पड़ जाता है, ही ऑफन फॉल्स सिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस देखो बच्चों बहुत जरूरी चीज है, बिना टेंस के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तीन टेंस मैं अपलोड कर चुका हूं, आप प्लीज जरूर देखिए, प्लीज देखिए। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वीडियोस देखिए। वीडियोस हैं, 6 प्लेलिस्ट हैं, प्लीज उन प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर वाले पोर्शन में सीखे ग्रामर मजे के साथ, टेंस सीखिए। बिना टेंस के आप पूरी तरह अंधेरे में रहेंगे। टेंस बैकबोन है इंग्लिश लैंग्वेज की, एक तरफ टेंस है एक तरफ शब्द है, दोनों को मिला करके हमें काम करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉल सिक, दूसरा शब्द है डिजीज, इसको कहते हैं डिजीज। डिजीज, डिजीज माने बीमारी। सिकनेस, सिकनेस माने भी बीमारी, लेकिन थोड़ा यूज अलग अलग है। डिजीज इस तरह से कहते हैं जैसे आजकल ये बीमारी बहुत चल रही है, तो जैसे बीमारियां होती हैं, टाइफाइड एक डिजीज है, निमोनिया एक डिजीज है, ठीक है। सिकनेस एक अवस्था है, डिजीज को ऐसे यूज करेंगे। सम ऑफ, जैसे कुछ बीमारियां आजकल बहुत चल रही हैं, तो हम कहेंगे सम ऑफ द डिजीजेस आर प्रीवेलिंग। प्रीवेल आगे बताऊंगा, अच्छा शब्द। प्रीवेल माने होता है चलन में होना, चलना।
सम ऑफ द डिजीजेस आर प्रीवेलिंग नाउ अडेज। और सिकनेस तो ऐसे यूज करेंगे, यार बीमारी की वजह से मैं तुम्हारी शादी पर आ नहीं सका, तो आप कहिएगा ओके ड्यू टू सिकनेस। ड्यू टू माने होता है के कारण, डी यू ई टी ओ, ड्यू टू माने की वजह से। ड्यू टू सिकनेस आई कुडंट अटेंड योर मैरिज, सका या पाया वाले वाक्यों में कुड लगता है। तो ड्यू टू सिकनेस आई कुडंट अटेंड योर मैरिज। आगे बढ़ते हैं, सिक एडजेक्टिव है, सिक माने बीमार, ठीक है। ही वॉज सिक यानी वो बीमार था। सिक लीव्स भी होती हैं कंपनीज में, डिपार्टमेंट्स में, अगर कोई बीमार हो तो एसएल ले सकता है, सिक लीव। सिक माने बीमार। कितने बढ़िया ढंग से आपको समझा रहा हूं, हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। आगे बढ़ते हैं, डायग्नोज, डी आई ए जी एन ओ एस ई, बहुत अच्छा शब्द है। डायग्नोज का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, बीमारी का पता लगाना। जैसे अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बहुत जल्दी बीमारी पकड़ ले, अगर वो बीमारी सही पकड़ेगा तो सही दवा लिखेगा और रिजल्ट आएगा। तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, दिस डॉक्टर डायग्नोसिस, पहले हिंदी बोल देता हूं, यह डॉक्टर बहुत जल्दी बीमारी को पकड़ लेता है। दिस डॉक्टर डायग्नोसिस द डिजीज वेरी फास्ट, ठीक है। दिस डॉक्टर डायग्नोसिस द डिजीज वेरी क्विकली, आप वेरी फास्ट की जगह वेरी क्विकली भी लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर वही है जो लक्षण दे के जल्दी इस बीमारी को कैच कर ले और ऐसी दवा लिखे जो आप जल्दी रिकवर कर जाए कोई भी इंसान। आगे बढ़ते हैं, इसी से एक शब्द बनाया बेटा डायग्नोसिस से, जैसे पैथोलॉजी होती है ना, इनको डायग्नोस्टिक्स भी कहते हैं, डायग्नोस्टिक्स, जहां पे बीमारी का पता लगाया जाए। इसके आगे बढ़ते हैं, क्योर, देखिए क्योर का मतलब होता है ठीक कर देना बीमारी के संदर्भ में, क्योर। जैसे कोई डॉक्टर कहे आप चिंता ना करें मैं आपको ठीक कर दूंगा, तो वह ऐसे कहेगा डोंट वरी आई विल क्योर यू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, डोंट वरी आई विल क्योर यू। क्योर माने ठीक कर देना, पूरी तरह से बीमारी को खत्म कर देना, इसको क्योर कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योर, सी यू आर ई। आगे बढ़ते हैं, रिकवर, रिकवर का मतलब ठीक हो जाना, देखो थोड़ा फर्क है, ठीक कर देना क्योर, ठीक हो जाना रिकवर। क्योर के तीनों फॉर्म होंगे, क्योर, क्योर्ड, क्योर्ड। रिकवर के तीनों फॉर्म होंगे, रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड। रेगुलर वर्ब्स हैं, आप डी या ईडी लगाओगे दोनों फॉर्म मिल जाएंगे, ज्यादातर वर्ब्स रेगुलर होती हैं। रिकवर ठीक हो जाना, जैसे ये कहना हो तीन दिन बाद वो ठीक हो गया तो हम कहेंगे आफ्टर थ्री डेज ही रिकवर्ड। कभी किसी से कहना हो चिंता मत करो यार तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तो आप ऐसे कहिएगा डोंट वरी यू विल रिकवर वेरी सून। तो रिकवर माने ठीक हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, तैयार कर लीजिए बस मजा आ जाएगा, मजा। बैंडेज, बैंडेज माने पट्टी जो घाव पर बांधी जाती है, सफेद रंग की आती है, छोटे भी पैकेट आते हैं बड़े भी पैकेट आते हैं, बैंडेज माने पट्टी। जैसे अगर किसी को चोट लगी है तो वो कहेगा जाओ भैया जरा थोड़ी पट्टी ले आओ, वो कहेगा अपने दोस्त से प्लीज गो एंड गेट मी सम बैंडेज, सम बैंडेज, ठीक है। तो इतने शब्द मैंने आपको एक्सप्लेन किए, मुझे पूरा विश्वास है आपको मजा आ रहा है, और आप बेटा तैयार करते जाइए, बिना वर्ल्ड के अंग्रेजी में अंधेरा ही अंधेरा है, वर्ल्ड से प्रकाश आ जाएगा। कहीं बोलोगे कुछ लिखा होगा, कहीं फॉर्म भरना होगा, कहीं बातचीत चल रही होगी, आपकी इज्जत बनेगी। तो फिर बच्चों इस चैनल को जरा प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, है बताइए जरा, अब फेसबुक पे भाई फेसबुक पे शेयर करने में क्या जाएगा यार, कर दो यार। ये मेरा चैलेंज है कि जिसको भेजोगे वो ये नहीं कहेगा कि यार बेकार चीज भेज दी, यही कहेगा हाँ यार कुछ काम की भेजी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। प्लीज बेटा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा लाइक कर दो और बस बस चैनल को यार आगे बढ़ा दो यार, थैंक यू सो मच। बस अभी दूसरा वीडियो आपको दे रहा हूं, इसके आगे के वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माई बच्चों, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।